हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हॉकाई के पहले दो एपिसोड्स के बारे में और साथ ही इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप लोगों को हॉकाई सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि यार अगर देखा जाए तो हॉकाई एक ऐसी सीरीज है जिसमें पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है लेकिन ऑडियंस को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। यार कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि 24 नवंबर से हॉकाई सीरीज शुरू होने वाली है, कट्टर मार्वल फैंस को छोड़कर। तो दोस्तों, अगर एक वर्ड में मुझे वर्डिक्ट देना हो तो हाँ, आपको ये सीरीज डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज के बाद हॉकाई भी हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लेगा और हॉकाई की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी केट बिशप, जिसकी आर्चरी स्किल्स हॉकाई से भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब यार मैं कुछ खास एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था हॉकाई सीरीज से, लेकिन जिस तरह से चीजें मूव ऑन करती है इसके अंदर, वो आपको एक तरह से आगे क्या होगा ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। और एपिसोड 1 की शुरुआत भी 2012 वाले टाइमलाइन से होती है, जब चित्तौड़ी आर्मी ने न्यूयॉर्क पे हमला कर दिया था और उस वक्त केट बिशप सिर्फ 5 साल की होती है। और उस हमले में जो शहर का सत्यानाश हुआ था, उसमें केट बिशप के घर में भी थोड़े बहुत बम बारूद या जो भी उसे कहते हैं वो आकर गिर जाते हैं, जिसके वजह से केट बिशप के फादर की मौत हो जाती है। लेकिन उस 2012 के एवेंजर्स वर्सेस लोकी के युद्ध में केट बिशप पहली बार क्लिंट बार्टन को देखती है और उसके बाद से ही उसके अंदर का तीरमार्खा जाग उठता है और अब प्रेजेंट डे में वो एक बहुत ही अच्छी तीरबाज बन चुकी है। और सीरीज में आगे चलकर एक पार्टी में कुछ ऐसे सिचुएशंस पैदा हो जाते हैं जिसके वजह से केट बिशप को रॉनिन के कपड़े पहनकर ट्रैक सूट माफिया से लड़ना पड़ता है। तो यार इस सीन के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ बेसिकली एक इलीगल ऑक्शन चल रहा होता है जहाँ बहुत सी यूनिक चीजें होती है, जिनमें रॉनिन का स्वॉर्ड और सूट भी होता है। और खरीदारों में यहाँ दो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आप लोगों का जानना जरूरी है, जिनमें से एक होता है जैक, जो कि केट बिशप की मदर इलियानोर का फियांसे होता है, और दूसरा होता है आर्मंड, जो कि जैक का अंकल होता है। और ये दोनों उस ऑक्शन में रॉनिन के स्वॉर्ड के लिए बिड कर रहे होते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से केट बिशप को रॉनिन के कपड़े पहनकर इन गुंडों से लड़ना पड़ता है और फिर यही फाइट न्यूज की हेडलाइन बन जाती है, जहां सब कह रहे होते हैं कि रॉनिन वापस आ गया है, जिसके वजह से क्लिंट बार्टन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो केट बिशप को ढूंढ निकालता है और पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर दूसरे एपिसोड में क्लिंट कहता है कि तुम एक बच्ची और तुम्हें इस सूट को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि तुम असली रॉनिन नहीं हो और असली रॉनिन के बहुत सारे दुश्मन है। लेकिन यहाँ होता कुछ ऐसा है कि उसी माफिया गैंग के लोगों को पता चल जाता है कि केट बिशप ही रॉनिन है और वो लोग उसके घर पे हमला कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन को देखते हुए क्लिंट फैसला करता है कि वो केट बिशप की मदद करेगा। और यार इससे ज्यादा मैं आप लोगों को आगे नहीं बता सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सीरीज को देखो। अब यार जैसे भी देखो, लेकिन जरूर देखो, क्योंकि ये सीरीज काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है और फ्यूचर की एमसीयू मूवीज को केट बिशप के रूप में एक नई हॉकाई मिलने वाली है, बिकॉज आई थिंक कि शायद क्लिंट बार्टन को एज हॉकाई हम आखिरी बार देखने वाले हैं। और जिस तरह आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो की जर्नी एमसीयू में खत्म हो गई है, उसी तरह क्लिंट बार्टन की जर्नी भी इस सीरीज के बाद खत्म होने वाली है। लेकिन यार सिर्फ इस रीजन के वजह से मैं हॉकाई आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर रहा, सच में ये सीरीज अच्छी है इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। हाँ, लोकी, वांडा विजन या फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के टक्कर की शायद ये सीरीज ना हो, लेकिन इस सीरीज में आपको कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा जिसे आप रियल लाइफ से भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शाम तक एक और वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा। तो यार थोड़ा इंतजार करो और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।